स्वतंत्रता दिवस की 76वीं सालगिरह पर पंजाब में 76 नए मोहल्ला क्लिनिकों की सौगात मिली है। पंजाब सरकार ने कहा है कि हर नागरिक को मुफ्त इलाज देने का टारगेट रखा गया है। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में मोहल्ला क्लिनिकों की शुरुआत हुई है। संगरूर के राजमाजरा गांव में सीएम भगवंत ने 76 और आम आदमी क्लिनिक जनता को समर्पित किए। यहाँ पे जो मेडिसिन है, जो डॉक्टर यहाँ पे स्टाफ है, और बाहर भी हम तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे इसकी शुरुआत जो होती है, ये रिसेप्शन है, इसके बाद यहाँ पे जो ऑनलाइन सारा रिकॉर्ड होता है, उसके बाद आगे का प्रोसीजर जो है शुरू होता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि अब तक पंजाब में 659 आम आदमी क्लिनिक खुल चुके हैं। हर क्लिनिक में लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। तो किसी को बुखार हो गया तो आदमी सोचता था मैं कहाँ जाऊँ, मैं धूरी जाऊँ कि सगरूर जाऊँ, कैसे जाऊँ, मतलब वहाँ जाने के लिए साधन नहीं है, कैसे जाऊँगा, कैसे वापस आऊँगा, मतलब अपना काम छोड़ के जाऊँगा। अब उसको अपने गाँव में वो सुविधा मिल रही है कि गए वहाँ डॉक्टर है, उसको दिखाया, टेस्ट करवाया और अपना दवाई लेके 10 मिनट में अपने घर पे आ गए। पंजाब सरकार ने हर नागरिक को मुफ्त इलाज देने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी सरकार की पहली प्राथमिकता है।